हेलो दोस्तों वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एन सी आर कमल और आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं आयात प्रतिस्थापन क्या है जी हाँ आयात प्रतिस्थापन क्या है वो हम आज इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं तो देखिए आयात प्रतिस्थापन की पहले हम परिभाषा पर पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं तो देखो आयात प्रतिस्थापन क्या है आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बाहर से आयात किए जाने वाले उत्पाद का अपने ही देश में उत्पादन का विकल्प खोजा जाता है कहने का मतलब ये है पहले हम ये देखें आयात प्रतिस्थापन क्या एक प्रक्रिया है जिसके तहत क्या होता है बाहर से किए जाने वाला आयात अब हम क्या करते हैं हमारा जो देश है या फिर कोई भी देश होता है किसी भी चीज़ का आयात मतलब क्या होता है जो चीज़ हम किसी और देश से मंगाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है आयात बोला जाता है ठीक है अब कोई भी देश आयात कब करता है जब उस देश के अंदर उस वस्तु की कमी होती है जैसे मान के चलो हमारे देश में गेहूं की कमी है ठीक है अब गेहूं की कमी है तो गेहूं की कमी तो रहने नहीं देंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमको ऐसे देश पे निर्भर हो जाना है हम किसी ऐसे देश से गेहूं मंगा लेंगे ठीक है जहाँ पे गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है ठीक है तो उसको बोला जाता है आयात अब इससे क्या होगा हमारा जो देश है वो उस देश पे क्या हो जाएगा पूरी तरीके से निर्भर हो जाएगा ठीक है तो इस इससे तो क्या है वो देश हमारे ऊपर दबाव भी बना सकता है पैसे का भी ठीक है और राजनीतिक दबाव भी बना सकता है तो इसको कम करने के लिए जो नया कॉन्सेप्ट आया है वो क्या है आयात प्रतिस्थापन इसमें क्या करते हैं हम लोग जो बाहर से मान के चलो गेहूँ उत्पादन कर रहे हैं ठीक है थीके? तो हम क्या करेंगे या तो गेहूँ उत्पादन अपने देश में करने लगेंगे ठीक है गेहूं का उत्पादन क्या करने लगेंगे अपने देश में करने लगें या फिर गेहूं की जगह और कोई खाद्य पदार्थ जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं ठीक है जैसे चावल है उसका उत्पादन अपने देश में क्या कर देंगे बढ़ा देंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा दूसरे देश से गेहूँ नहीं मंगाना पड़ेगा समझ में आ गया आयात प्रतिस्थापन क्या है तो आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बाहर से आयात किए जाने वाले उत्पाद का अपने ही देश में क्या किया जाता है उत्पादन का विकल्प खोजा जाता है एक उदाहरण और समझ लो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ठीक है उदाहरण है जैसे मान के चलिए भारत विदेशों से कच्चे तेल का क्या करता है आयात करता है ठीक है यदि भारत सरकार अपने ही देश के मैं कच्चे तेल के उत्पादन का कोई विकल्प खोज ले जैसे मान के चलो ठीक है बायोडीजल है इस प्रकार का कोई विकल्प खोज ले तो उससे बाहर से तेल हमको आयात नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो इसी को बोला जाएगा क्या आयात प्रतिस्थापन अगर सरकार क्या कर लेती है कच्चे तेल का विकल्प अपने ही देश के अंदर भारत के अंदर ही खोज लेती है यानी ढूंढ लेती है फिर हमको बाहर से कोई चीज़ मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो इसी को बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन समझ में आ गया आपको आयात प्रतिस्थापन क्या होता है तो आयात प्रतिस्थापन से फ़ायदा क्या होता है तो आयात प्रतिस्थापन से ये फायदा होता है आयात प्रतिस्थापन से किसी भी देश की अन्य देश पर निर्भरता क्या हो जाती है कम हो जाती है तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो था मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ आपको सिर्फ़ एक काम करना है इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम